चित्रकूट धाम कामतानाथ मंदिर में अमावस्या के पर्व पर हजारों लाखों श्रद्धालुओं की लगी भीड़। चित्रकूट में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भगवान कादमगिरी के पंचकोसी परिक्रमा की अमावस्या पर हजारों लाखों श्रद्धालु की भीड़ मंदाकिनी नदी में रामघाट पर श्रद्धालु स्नान कर पुण्य कमाया। चित्रकूट धर्म नगरी में अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाई। इसके बाद भगवान कादमगिरी की पंचकोसी परिक्रमा करते नजर आए। भगवान कामतानाथ की परिक्रमा लगाने के लिए लोग उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पहुंचे। हर महीने की अमावस्या में लाखों श्रद्धालु आते हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कामतानाथ में दीपदान की अमावस्या और मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। चित्रकूट भारत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास ने बताया कि चित्रकूट में भगवान श्री राम जानकी लक्ष्मण के साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। मंदाकिनी नदी ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के तपोबल से उद्गम हुआ है। महंत ने बताया कि मंदाकिनी नदी में जो डुबकी लगाता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। रामचरितमानस में भी उल्लेख कामतानाथ के महंत मदन दास के कामतानाथ परिक्रमा की महिमा बताई है। भगवान श्री कामतानाथ की पंचकोसी परिक्रमा करने से लोगों की कामना की पूर्ति होती है। महंत ने बताया कि इसका उल्लेख राष्ट्रीय कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। कामतानाथ की रज का भी बहुत बड़ा महत्व है। महंत ने बताया कि एक बार तुलसीदास जी और रहीमदास जी परिक्रमा लगा रहे थे। तभी एक राजा परिक्रमा मार्ग के पास हाथी को दंड दे रहा था। तब तुलसीदास जी ने रहीमदास से पूछा था, धूल उड़ा वत गज फिरत कही रहीम किन काज। तभी इस बात का उत्तर रहीमदास जी ने बताया कि जो राज ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढात गजरात। मदन दास ने बताया कि यह वह भूमि है जहाँ की एक एक कण महत्वपूर्ण है। चित्रकूट का उल्लेख रामचरितमानस में ही नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनेकों प्रशासन टीम सहित हजारों पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं।